नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना स्थित रालोसपा कार्यालय में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हमला बोला है और ये कहा है कि बिहार के लोग अब अफसोस कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहार को पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार को उन्होंने वोट दिया था और आज बिहार की क्या स्थिति है सब लोग जानते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, क्या क्या कहा है उन्होंने। एक बड़ी विफलता छुपाने का अवसर मिल गया है कोरोना वायरस के नाम पर। इनको मालूम है स्थिति अगर थोड़ी भी बिगड़ती है तो संभालना इनके लिए मुश्किल है, तो इसलिए पहले ही से लोगों के बीच इस तरह की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कोरोना वायरस के नाम पे। कोरोना वायरस भगवान न करे ऐसा हो और होगा भी नहीं। इस मामले में मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि लोगों को ज्यादा डराया जा रहा है, लेकिन इसमें एक बात है कि इससे बचने का उपाय सब लोगों को रखना चाहिए और इस दृष्टि से ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। बाकी सरकार के लिए फायदे की बात हो गई कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था इनकी है, कहीं कोई सरकारी अस्पताल में जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, तो फिर कोई अगर खराब स्थिति आती है तो सरकार नहीं निपट पाएगी। जो बीमार लोग पड़ते हैं उसमें मौत होती है 1.5 से 2%, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिससे ज्यादा मौत हो रही है, उस पर तो कोई ध्यान नहीं है। ध्यान हो निश्चित रूप से कोरोना वायरस पर ध्यान है, ठीक है, लेकिन यही बीमारी नहीं है, और बीमारी भी, कुपोषण से कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से लोग मर रहे हैं। चमकी बुखार है, गर्मी का दिन आवेगा, पिछले 20 साल से चमकी बुखार से कितने बच्चों की मौत हो जाती है। 20 साल में जब कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए तो हाई तवा मचाने से थोड़े उपाय हो जाए। दवा दिया है, आज बिहार के लोग एक तरफ से अफसोस कर रहे हैं कि हमने बिहार को पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार के ऊपर जिम्मेवारी दी, एक बार नहीं तीन तीन बार, तीन कार्यकाल, लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी अब बिल्कुल फेल साबित हुए हैं। वैसे परिस्थिति में अब उनके ऊपर से आम जनता का भरोसा उठ गया है, लोग विकल्प की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और यह विकल्प और कोई नहीं महागठबंधन विकल्प है। इसलिए इस बार महागठबंधन बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव में जीत हासिल करेगा और एक अच्छी सरकार, सिर्फ बदलाव सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि आम जनता की जो समस्या है उन समस्याओं पर वास्तव में बदलाव दिखे, इस मकसद से सरकार बनेगी। तो यही आज आप लोगों को इसी बात के लिए कष्ट दिया गया। कोई सवाल हो तो आज बैठक थी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष साथियों की, आनंद जी क्या करें भाई, तो क्या करें, चुप रहिए ना भाई, नेता है उनके साथ बैठक थी। उसमें तय किया गया है कि 11 अप्रैल को नई कॉलेज के मैदान में महात्मा ज्योतिबा राव फूले जयंती समारोह का आयोजन करने का। महात्मा फूले साहब की जयंती पार्टी पहले भी मनाते रही है, कई बार हमने पार्टी के बैनर से और कई बार अलग जो सामाजिक संगठन है महात्मा फूले समता परिषद उस बैनर से भी कार्यक्रम किया है। इस बार का कार्यक्रम पार्टी
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद दोनों के संयुक्त तत्वावधान में 11 अप्रैल को कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से सब लोगों के साथ मिलकर हम मनाएंगे। यह आपके लिए सूचना थी। अभी जो चुनाव की तैयारी हमारी पार्टी की ओर से चल रही है, काफी संतोषजनक तैयारी है। मजबूती से हमारे साथी लगे हुए हैं, तैयारी में भी मजबूती से लगे हुए हैं और आगे भी मजबूती से लगे रहेंगे। एक कंफ्यूजन जो किसी रूप में लोगों के बीच आ जाती है महागठबंधन के भविष्य को लेकर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मन में इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन में है, महागठबंधन में रहेगा, महागठबंधन में रहकर मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की सरकार भी इस बार बनेगी। इसलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन हमारी पार्टी के बारे में आप लोगों के मन में भी रहता है और लोगों के बीच भी सबके बारे में रहता है, सिर्फ हमारी पार्टी के बारे में नहीं रहता, सबके बारे में रहता है। लेकिन हम अपनी ओर से आज स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन किसी को भी रखने की जरूरत नहीं है। मैं चुनाव की तैयारी में है, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे और एनडीए की सरकार जिसने 15 वर्षों में बिहार को एक तरह से बर्बाद कर दिया है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के रोजगार का सवाल, किसानों की समस्याएं अपनी जगह, तो इन तमाम मोर्चों पर नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं। 15 साल बड़ा समय होता है। नीतीश जी के पास मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि उनके अंदर इस बात का कौशल था कि चाहते नीतीश जी तो उसका इस्तेमाल करके इन 15 वर्षों में बिहार को बहुत आगे ले जाया जा सकता था। आप लोगों के लिए सूचना है, वेटनरी कॉलेज मैदान 11 अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारी के लिए विभिन्न जिलों में बैठक काफी कार्यक्रम तय किया गया है और उन बैठकों में राज्य से कोई न कोई पदाधिकारी भाग लेंगे। वहाँ बैठक होगी और उस बैठक में तैयारी पर भी बात होगी। साथ ही साथ चुनाव की तैयारी जो पहले से चल रही है हमारी पार्टी की ओर से, उस पर भी समीक्षा जिला की बैठकों में साथी जो भी जाएंगे करेंगे। इस तरह से यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद के साथ साथ और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अलग अलग पार्टी है, एनडीए से अलग, हम सबको आमंत्रित करेंगे, यह भी फैसला हुआ है। तो पटना में उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज और आज एक बार फिर वे रालोसपा सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर थे, निशाना साध रहे थे, विकास को लेकर और शिक्षा को लेकर लगातार घेरते रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को। कोरोना को लेकर भी आज उन्होंने तमाम बातें कही हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।